लोगों ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि आपने जो यूके में अपना पहला घर लिया उसका प्रोसेस क्या था और क्या हुआ, क्या रीज़न था, कैसे लिया, क्यों लिया और कितना टाइम लगा। तो प्लीज़ वॉच अंटिल द एंड एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ड्रॉप इन योर कॉमेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आई इंटेंड टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल, कोई फ्लैशी इमेजेस नहीं है, कोई ग्राफिक्स नहीं है, इट्स जस्ट हार्ड टू वर्क कन्वर्सेशन। तो पहला ऑब्वियस क्वेश्चन था कि क्यों लिया हमने घर एंड पहले हम कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। सो यार, हम रेंटल अकोमोडेशन में रहते थे। हम जब मूव किए थे यूके में, सो हमने एक रेंटल अपार्टमेंट लिया था। बट द प्राइमरी रीज़न ऑफ लीविंग दैट एंड बाइंग अ हाउस वॉज रेंटल टर्म्स। भाई बहुत महंगे रेंट्स हो रहे थे यूके में। हमने स्टार्ट किया था लगभग £600 पर मंथ से, जो हम इवेंचुअली देते थे बिफोर वी बॉट दिस हाउस, नियरली £1200 पर मंथ हो गया था। तो यार, आप इवेंचुअली आप पे कर रहे हो किसी और का मॉर्टगेज। सो उससे अच्छा है अगर आप 1200-1200 pounds आप रेंट दे रहे हो तो आप अपना मॉर्टगेज, अपना घर ले लो और उसमें आप डालो। सो आपकी इक्विटी बिल्डअप हो जाएगी, आपका घर भी बिल्डअप हो जाएगा। सो ये मेरा रीज़न था पहला मेन लेने का। तो चलो, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें घर लेना ही है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ऑब्वियसली अपना बजट हमें एनालाइज करना था कि क्या हमारा बजट है, कितना हमारा हम अफोर्ड कर सकते हैं, कितने का घर ले सकते हैं। क्योंकि द लास्ट थिंग यू वांट इज़ कि यार आप कमिट कर लो घर पे और आपका बजट ही सस्टेन ना कर पाए। सो एनीवे, हमने बजट देखा, बजट अपना डिसाइड किया कि चलो इतने का घर होगा। फिर उसके बाद हम मार्केट में गए, मार्केट में हमने थोड़े घर एक्सप्लोर किए। सो यहाँ पे एक दो वेबसाइट्स होती हैं जो काफ़ी यूज़फुल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हो गई rightmove.co.uk या zoopla.com एंड अ फ्यू अदर्स। सो हमने उन सब पे काफ़ी घर देखे, काफ़ी व्यूइंग्स देखे। यहाँ पे व्यूइंग्स बोलते हैं, आप जाओ, आप एजेंट को लिखो, एजेंट आपके व्यू कराएगा एंड घरों को आप एक्सप्लोर करो। सो ये सब यार हमारे उस बजट के अंदर देखा जाए तो महीना डेढ़ महीना तो हमारा व्यूइंग टाइम में निकल गया, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है अनलेस यू एक्चुअली सी अ हाउस। एक डेढ़ महीना हमें लगा, हमने बहुत सारे घर देखे एंड देन फाइनली एक दो घरों को शॉर्टलिस्ट किया, घर पसंद कर लिया। घर पसंद करने के बाद का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप अपने अपने एजेंट के पास जाओ, बोलो कि आपको घर पसंद आ गया, अब आप चाहते हो कि इस घर को अब होल्ड करो। तो यार एजेंट ऐसे तो होल्ड करेगा नहीं, एजेंट बोलेगा कि सर पहले तो आप इसका ऑफ़र दो ना। ऑफ़र का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस अगर घर का सपोज 100,000 pounds है, तो या तो आप ज़्यादा बोल सकते हो अगर आपको लगता है कि बहुत सारे मल्टीपल ऑफर्स आएंगे एंड आपकी इट्स लाइक बिडिंग प्रोसेस, लाइक यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन योर हाउस। पर आपको लगता है कि नहीं यार 100,000 pounds ज़्यादा है, कोई बंदा इसको 95,000 में भी ले सकता है, तो आप बोलो नहीं यार 95,000 दूंगा। इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर सपोज़ आपका ऑफर कम है और दो तीन और प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, उनका ऑफर अगर सपोज़ किसी ने 96,000 बोल दिया, 98,000 बोल दिया, तो डेफिनेटली आप लूज आउट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा गेम होता है, आपको प्ले करना पड़ता है घर को देख करके। जैसे हमारा घर था, हमने थोड़ा 5,000 ज़्यादा कोट किया था बिकॉज हमें पता था कि एक घर डिमांड में होगा और काफ़ी लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे। हमने 5,000 एक्स्ट्रा कोट किया, हमारे एजेंट का फ़ोन आया कि भैया आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया है, सेलर खुश है आपके साथ डील करने के लिए, सो आप पहले तो इसको मार्केट से ऑफ़ करो ना। मार्केट से ऑफ़ करने के लिए हमें एक डिपॉजिट देना पड़ता था, अराउंड £500 का डिपॉजिट था। उसने बोला कि चलो कोई नहीं, आप दे दो एंड इफ़ द डील डजंट गो थ्रू देन आपको £500 वापस मिल जाएगा। बोला चलो ठीक। सो हमने £500 दे के घर को डीलिस्ट कर दिया। अब उसके बाद का जो प्रोसेस होता है अगेन काफ़ी डिटेल्ड होता है। राइट, सो आपने एक बार जब घर को डीलिस्ट कर दिया, उसके बाद आपको दो चीज़ें करनी होती हैं। पहला, आपको एक सॉलिसिटर को असाइन करना पड़ता है। सॉलिसिटर बेसिकली एक लॉयर जो आपके एंड टू एंड पेपर वर्क को हैंडल करेगा, और बहुत ही ज़रूरी होता है बिकॉज यूके में अनलाइक इंडिया आपको बाकी सपोर्ट नहीं मिलता एंड लॉयर के थ्रू ही आपको सारी डीलिंग करनी पड़ती है। सो आप लॉयर असाइन करो। लॉयर की फीस एनीवे बिटवीन 500-1500-2000 pounds होती है। सेकेंड प्रोसेस होता है, आपको मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेकआउट करने पड़ेंगे मॉर्टगेज के लिए। ना मॉर्टगेज बेसिकली होम लोन, जैसे इंडिया में होम लोन होता है। सो बहुत सारे इंटरेस्ट रेट मिलेंगे आपको डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, योर वीज़ा, बैंक्स, ऑल ऑफ दैट। सो आप थोड़ा प्ले अर्न करो, सर्च करो एंड फाइनली आप कोई एक जाके मॉर्टगेज इंटरेस्ट रेट को लॉक डाउन करो। या तो आप मॉर्टगेज ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो या आप अपने आप भी कर सकते हो। हमने ब्रोकर लिया था बिकॉज यार हमें ज़्यादा हैसल पड़ना नहीं था। सो ब्रोकर की फीस अगेन एनीवे बिटवीन 500-2000 pounds होती है। सो हमने बार्कलेस बैंक से लॉक डाउन किया, बार्कलेस से हमने इंटरेस्ट रेट दिया, हमने बोला ठीक है। उसके बाद बैंक अपना इनिशिएट करता है, बैंक अपने घर का पेपर वर्क देखेगा, बैंक घर को इवैल्यूएट करेगा, बैंक घर को आगे सर्वे करेगा एंड बोलेगा कि भाई इस घर की जो वैल्यू है एक्चुअली में रीजनेबल है या नहीं है। अगर बैंक हमें बोलता है कि यार ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इस घर की इतनी वैल्यू नहीं है, हम इतना लोन नहीं दे सकते, तब दिक्कत हो जाएगी।
सो ये बहुत ज़रूरी है बैंक बैंक की लोकल सर्वे का एंड उसके रिपोर्ट के आने तक का वेट करने का. अनटिल देन आप डिसीजन नहीं ले सकते कुछ आगे क्या करने का. सो एनीवे, सो आपने बैंक मॉर्टगेज के लिए अप्लाई किया, आपने अपना वकील को इनिशिएट किया. वकील क्या करता है? वकील आपके बहुत सारे प्रोसेस इन द बैक ड्रॉप स्टार्ट कर देगा. फॉर एग्जांपल लोकल काउंसिल रिपोर्ट्स, आपके घर के हाउसिंग रिपोर्ट्स, आपके लीगैलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये पूरा एक लंबा प्रोसेस चलता है. एंड अगेन इट टेक्स एनीवे बिटवीन 8 to 12 weeks फॉर इट टू फॉर्मली कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन. सो जब आपने घर आपने देखना चालू किया एंड आपकी फाइनल जो रिपोर्ट आती है वकील की, एनीवे बिटवीन 3 to 4 months आपको प्रोसेस निकल जाता है. इतना इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मनी एंड मॉर्टगेज. सो डिपेंडिंग अपॉन द हाउस, ओल्ड है, नया है, स्टेप आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपके अकाउंट, आपकी वीज़ा स्टेटस क्या है, एनीवेयर आप पे कर सकते हो 5% से लेके 15% डिपॉजिट. लाइक हमें अपने घर में जो मिनिमम डिपॉजिट था वो 10% था. सो 10% ऑफ द हाउस वैल्यू आपको डिपॉजिट देना है एंड बाकी 90% आप मॉर्टगेज ले सकते हो. सो हमने वही किया था. बट कई लोग 5% भी डिपॉजिट देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि घर कहाँ पर है. और कई लोग जो न्यू बिल्ड है, न्यू बिल्ड को मैंडेटरी 15% डिपॉजिट देना पड़ता है एंड बाकी 85% आपको लोन लेना पड़ेगा. सो ये आपको देखना पड़ेगा कंसिडरेशन आप घर ले रहे हो कि आपका डिपॉजिट रिक्वायरमेंट क्या है. इफ इट इज 10% और 15% और 5% एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बी मॉर्टगेज. एंड रिगार्डिंग मॉर्टगेज, होम लोन, अगेन वेरिड इंटरेस्ट रेट्स होते हैं. आप तो 2 साल का लॉकडाउन भी कर सकते हो, आप 5 ईयर्स का लॉकडाउन कर सकते हो, या आप वेरिएबल इंटरेस्ट ले सकते हो ऑल थ्रू आउट, या फुल फिक्स कर सकते हो. जनरल लोग क्या करते हैं, 2 से 5 साल का अपना इंटरेस्ट रेट लॉकडाउन कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स लाइक इंडिया वेरी करता रहता है. सो ये आपने कर लिया, आपने इंटरेस्ट रेट लॉकडाउन कर दिया, बैंक ने सर्वे कर दिया, आपने अपना अपने लॉयर को बोल दिया इनिशिएट करने के लिए. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इन द एंटायर हाउस बाइंग प्रोसेस इज यू बीइंग सेटिस्फाइड विद द हाउस. उसको कैसे करोगे? अगर आपका ओल्ड बिल्ट है, पुराने घर है, तो प्लीज़ अपना आप लोकल सर्वे कराओ. लोकल सर्वे क्या करता है, यहाँ पे 3 टाइप के सर्वे होते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier 1 बेसिक नॉर्मल सर्वे होगा घर का कि चलो घर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. Tier 2 सर्वे होता है, थोड़ा डिटेल में जाता है. एंड Tier 3 बेसिकली सब देखता है, जैसे फॉर एग्जांपल घर की स्टेबिलिटी, घर की बाउंड्रीज, घर की फाउंडेशन. सो ये बहुत ज़रूरी होता है आपसे सेटिस्फाइड हो जाना, तभी आप इस डील को फाइनल करना. अगेन इसका भी जो सर्वे का रिपोर्ट होता है वो अराउंड 500 से 1000 पाउंड में जनरेट होता है, लगभग 1 महीना उसमें भी लगता है. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग. सो एनीवे, सो ये सब जब हो जाता है, सर्वे रिपोर्ट आ जाती है, बैंक का फाइनल आपको मॉर्टगेज अप्रूवल आ जाता है. सो मॉर्टगेज अप्रूवल के बाद यू कैन होल्ड ऑन टू दैट ऑफर दैट यू हैव गॉट फ्रॉम द बैंक फॉर 6 months. 6 महीने तक उसका ऑफर वैलिड होता है. 6 महीने के बाद अगर आपका डिसीजन, 6 महीने के अंदर आपका डिसीजन नहीं होता, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर अनदर मॉर्टगेज एंड देन यू विल गेट अ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑल टुगेदर. सो 6 महीने के अंदर आपको सारी डीलिंग करनी पड़ती है. सो एनीवे, सो हमने ये सब किया, हमारा इंटरेस्ट रेट लॉकडाउन हुआ, हमारा मॉर्टगेज अप्रूव हुआ, हमारी रिपोर्ट्स आ गई, वी आर ऑल सेटिस्फाइड. हमने फाइनली एजेंट को बोला कि भाई हम सब रेडी हैं, अब लेट्स जस्ट गो एंड एक्सचेंज द ऑफर. यहाँ पे उसको बोला जाता है एक्सचेंज द ऑफर. बेसिकली जब आप डीलर सेलर अग्री करता है बायर के साथ, सेलर की टर्म्स मीट हो जाती हैं, बायर की टर्म्स मीट हो जाती हैं, दोनों बोलते हैं चलो लेट्स एक्सचेंज द ऑफर. अब एक्सचेंज के टाइम पे क्या होता है, मैं अपना जो डिपॉजिट होता है, जो मैंने 10% डिपॉजिट था, मैंने एजेंट के बैंक में डाला. एजेंट ने अपने आप को अपने पास उसको पैसा रखा, उसके बाद बैंक ने पैसा मुझे रिलीज़ किया, मैंने वो पैसा वापस एजेंट को डाला. अब एजेंट सेलर के लॉयर से और मेरे लॉयर से बात करेगा एंड देन लॉयर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होंगी, लॉयर्स पेपर वर्क देखेंगे एंड देन फाइनली जब मेरे सारे पैसे सेलर के अकाउंट में चले जाएंगे, that day is when I get the keys and that is the day when you say your offer has been exchanged and you are happy to move into your house, you get the keys to your house. So yaar ye lamba chauda process hota hai, bahut hi kabhi kabhi issues bhi aate hain, but then it is not very complicated. If you understand it well, you will get through. So humne start kiya tha ghar ka process around June mein, hame chabi mili December mein. So 6 se 7 mahine lag gaye. So it is not that aapne aaj decision liya aur kal aapne ghar le liya. तो यस, सो विद दैट आई होप दैट वॉज यूज़फुल. अगर कोई क्वेश्चन हैं आपके रिगार्डिंग हाउ टू बाय हाउस अगेन, अगर मैंने बहुत ही जल्दी वीडियो बना दी थी बिकॉज मुझे खाना खाने जाना है, बट अगर कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, anything, प्लीज़ ड्रॉप मी अ मैसेज. आई एम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. कोई इशू है तो वहाँ रेज करो एंड आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. इट इज़ अ जर्नी, एन्जॉय. एंड यस, इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट. आई इंटेंड टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल. कोई फ्लैशी इमेजेस नहीं है, कोई इट्स जस्ट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन. बट यस, हियर टू हेल्प यू आउट. गुड लक.